morning class in English medium. Today I am going to teach you chapter 1, the Indian Constitution, यानी भारतीय संविधान, subject civics. आज आपका विषय है civics यानी नागरिक शास्त्र. मैं आपको part 1 से the Indian Constitution यानी भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ाऊंगी. सभी बच्चे अपने books वगैरह निकाल लें. Page number 141 देखें. Civics में chapter 1 है. पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान किसे कहते हैं. तो आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल. ठीक है, किसी भी देश का संविधान क्या है, इज अ सेट ऑफ रूल. बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें रेगुलेशन होते हैं एंड प्रोविजन यानी बहुत सारे प्रावधान होते हैं. दैट डिस्क्राइब द बेसिक बिलीफ एंड वैल्यू ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन. ये उस देश के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, कौन कौन से बिलीव्स हैं, उन सभी पर बेस करते हैं. यानी संविधान क्या है, एक लिखित प्रारूप है जिसके द्वारा किसी भी देश को नियंत्रित या चलाया जा सकता है, जिसमें वहाँ के लोगों के मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार निहित होते हैं. संविधान हमें बताता है कि किस तरह से हमें देश को चलाना है और देश में सबके क्या क्या कार्य हैं. इट इज ऑन दीज रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोविजन दैट द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर एस्टैब्लिश्ड. इसी संविधान के द्वारा ही हमें हमारी सरकार के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में पता चलता है. जैसे प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, ये सभी कार्य के बारे में भी जानकारी कौन देता है, हमारा संविधान. यदि हमारा संविधान नहीं होगा तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है. इसीलिए हमारा संविधान बहुत ही जरूरी है, या किसी भी देश का संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है. सेकेंड इसमें पॉइंट दिया हुआ है, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी. सो लेट्स सी, इट्स डेवलप ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल और डिफरेंट काइंड टू लिव पीसफुली. संविधान की वजह से ही हम क्या है, एक दूसरे से मिलजुल कर रह पाते हैं. ठीक है, तो संविधान क्या क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है एक दूसरे के. यानी हम विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के होते हुए भी हम एक ही देश में रहते हैं, इस आराम से देश में रह रहे हैं शांति से. इसका कारण क्या है, हमारा संविधान जिसमें हमें शांति से रहने की यह अधिकार दिया है. सेकेंड पॉइंट है, इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, देयर कंपोजिशन, डिवीजन ऑफ पावर. और संविधान ही हमें यह बताता है कि गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे गवर्नमेंट कार्य करती है. ठीक है, और उसका क्या कंपोजिशन है और शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है. जैसे कि आपने शक्तियों के विभाजन में, जैसे कुछ कार्य प्रधानमंत्री के होते हैं, कुछ मुख्यमंत्री के होते हैं, तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन भी किया गया है. फिर है लास्ट में, इट क्लियरली टेल्स द लिमिट्स ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ये हमें ये भी बता देती है, लिमिटेशंस भी हैं, सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिट में रह के सरकार कार्य करती है. एंड गारंटीज द राइट ऑफ द पीपल, और लोगों के जो भी अधिकार हैं उस बात की गारंटी देती है कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा. ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या भूमिका है. एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा होगा, वेरियस सिचुएशंस रिक्वायर सम रूल और लॉज. विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के रूल्स, रेगुलेशन या कानून की जरूरत होती है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है. फ्यूचर एक्सेप्टेबल टू ऑल, और रूल्स और रेगुलेशन सभी जगह क्या एक्सेप्ट किए जाते हैं. ठीक है, इन एनी कंट्री दीज बेसिक रूल विच सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल आर लेड डाउन इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये सभी जो रूल्स, रेगुलेशन या जो पॉलिसीज होती हैं, क्या उस देश में रहने वाले लोगों के लिए होती हैं, ताकि वह सुरक्षा पूर्वक अपना जीवन उस देश में व्यतीत कर सके. दीज रूल्स में बी रिटन और अनरिटन. ठीक है, ये रूल्स, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, ये कुछ लिखित तौर पर भी हैं और कुछ लिखित नहीं भी हैं. सच रूल्स अप्लाई नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट बट टू अदर एसोसिएशन एज वेल. ठीक है, कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें रूल्स और रेगुलेशन है, केवल सरकार के लिए भी नहीं बनाई गई है, केवल सरकार के लिए ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एसोसिएशन या संगठन ऐसे हैं जो देश में रहते हैं और कार्य करते हैं. ठीक है, उनके लिए भी कुछ नियम पॉलिसीज बनाई गई हैं. सच एज, जैसे कि क्लब इन योर एरिया, यदि आपकी एरिया में कोई क्लब है तो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो अ कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर.
कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों के बीच में ट्रस्ट, यानी लोग उस पर भरोसा करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं कि हमारा संविधान हमें हमारे अधिकार दिलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक विश्वास पात्र चीज भी है। इट्स लिमिट टू द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो लिस्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। इसमें सरकार की लिमिटेशन या सीमाएं लिखाई गई हैं और लोगों के अधिकार के बारे में भी जानकारी दी गई, विच यू विल रीड लेटर, जिसे आप बाद में पढ़ सकते हैं। द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड विजुलाइज्ड दैट द रूल ऑफ लॉ मस्ट ऑलवेज प्रिवेल इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिया ऑक्युपाई अ क्रेडिबल पोजीशन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। जिन लोगों ने भी संविधान की स्थापना की है, जिन लोगों ने भी संविधान को बनाने में मदद की, उन सभी का यही मानना था कि हम संविधान का निर्माण ऐसे करें जिससे सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों को उनको अधिकार प्राप्त हो जाए। रूल ऑफ लॉ, अब रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ डिमांड्स दैट पीपल ऑक्युपाइंग पोजीशन इन डिफरेंट ऑर्गन टू द स्टेट एंड होल्डिंग पावर शुड बी गाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बी अलाउड टू एक्ट इन एन आर्बिट्री एंड अनलॉ मैनर। रूल ऑफ लॉ हमें क्या बताते हैं, कानून हमें क्या अधिकार देता है कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी नागरिक रह रहा हो, किसी धर्म जाति या समूह का हो सकता है, उसे स्वयं अपने हिसाब से जीने का पूर्ण अधिकार है, उसके ऊपर कोई और शासन नहीं कर सकता, ठीक है, उसे देश का कानून या नियम ही मानना होगा। द कॉमन पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड एंजॉय इक्वल राइट। आम जनता लोग जो सुरक्षित कैसे रहती है, कानून की सहायता से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, यदि हमारे साथ कोई भी घटना घटित हो जाए तो हम इसी संविधान के तहत क्या कर सकते हैं, कहीं भी अपनी एफ आई आर दर्ज करा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं लोगों के समक्ष। द कॉमन पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड एंजॉय इक्वल राइट एज वर्क एज डिस्चार्ज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। This major law adapted to guard against the abuses of power and evolve a democratic structure of power relationship. ये सभी कैसे होता है कि भारत एक democratic country है, democratic का मतलब क्या होता है, यहाँ जनता का राज है, ठीक है। तो जनता अपना शासन खुद चुनती है और सरकार को जनता के हिसाब से या जनता के अधिकारों को देखते हुए उसके लिए कार्य करने होते हैं। If this constitution is seen, it is the parliament that enacts law, that executes, implement them and the judiciary interprets them. ठीक है, संविधान में चीजें बताई गई हैं कि इसको उस तरह से स्कीम किया गया है या बनाया गया है जिसमें पार्लियामेंट या शासन जो भी होते हैं वो कोई ना कोई लॉ पारित करते हैं या कानून बनाने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को, एग्जीक्यूट कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं, उसके बाद जुडिशरी प्रोसेस चलता है, यानी कि कोई भी नियम कानून बनाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उस कानून को क्रियान्वयन किया जाता है, फिर यदि कोई उसमें अपराधी पाया जाता है तो उसके लिए जुडिशरी सिस्टम भी बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज सक्सेसफुल इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अंडर द कंट्रोलोरियन rule of British, the freedom struggle and the nationalists decided to set up such a constitution which would ensure free and fair land to the people of the country. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश काफी सालों से अंग्रेजों का गुलाम हुआ था और उसके बाद जैसे ही हमें आजादी प्राप्त हुई तो हमारे देश के कुछ शक्तिधारी लोग या सत्ताधारी लोगों ने सोचा कि अब क्या हो कि अब हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें अपने देश के लिए यानी संविधान बनाना चाहिए जिसमें सभी लोगों के बारे में बात की तो सभी लोग आराम से अपना जीवन यापन यहाँ कर सके। यही बात सोच के द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 एंड इनएक्टेड ऑन जनवरी 26, 1950। इसी तरह भारतीय संविधान की स्थापना की गई जिसकी शुरुआत 26 नवंबर 1949 को और यह पारित कब किया गया कानून 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज सो डिजाइंड दैट इट गिव रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। भारतीय संविधान जो बनाया गया उसमें डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है। डाइवर्सिटी क्या है, भारत में विभिन्न जाति समुदाय और विभिन्न सारे कस्टम्स रीति रिवाज के लोग रहते हैं या रीति रिवाज फॉलो करते हैं, उन सभी के बारे में सोचते हुए संविधान का निर्माण किया गया है। डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी।
भी करते हैं। द फाइनल डॉक्यूमेंट में इट स्पेशल कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज एम्फसाइज ऑन द क्रूशियल रोल ऑफ द पीपल प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद सामाजिक आर्थिक और भी बहुत सारे मुद्दों को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। रीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन एम टू एस्टैब्लिश अ सेकुलर। हमारे संविधान का मेन मुख्य क्या था कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष हो, सेकुलर हो। इसीलिए कहते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर का मतलब होता है हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के समुदाय के जाति के लोग रहते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर इट्स सिटीजन, ठीक है। नागरिकों के लिए हमारा संविधान कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो, यानी लोकतंत्र हो, जहाँ पे लोग अपना नेता स्वयं चुन सकते हैं। हु बिलोंग टू डाइवर्स बैकग्राउंड्स, हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम वेरी स्पेशल फीचर्स, लेट अस लुक सम ऑफ देम, ठीक है। डाइवर्सिटी के लिए भी हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। चलिए पहला हम पढ़ते हैं क्या प्रियम्बल या प्रस्तावना। हमारी प्रस्तावना हमें क्या बताती है? द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का। विच कंटेन्स द फंडामेंटल वैल्यूज, जिसमें कुछ मौलिक वैल्यूज हुई है। फिलॉसफी बताई गई, आदर्शवाद की बात की, एम्स है उसका कुछ एम है लक्ष्य, एंड ऑब्जेक्टिव उसके कुछ उद्देश्य बताए गए। ऑन विच अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, जिसके आधारशिला में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। द प्रीएम्बल हाईलाइट द फंडामेंटल वैल्यूज एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट सर्व एज द गाइड फॉर बोथ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द जज हु इंटरप्रेट द सेम। हाउएवर द प्रीएम्बल इज नॉट इनफोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्रीएम्बल को हम क्या है, कानून के सामने नहीं। प्रीएम्बल में बहुत सारी बातें बताई गई हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, जिसमें क्या है फंडामेंटल वैल्यूज बताई गई है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, किस तरह से हमें किस तरह से देश की एज ए नागरिक भी हमें देश की देखभाल करनी चाहिए। कोई भी इसमें रुकावट नहीं कर सकता। द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन सर्व टू पर्पस। प्रीएम्बल हमारे दो तरह के पर्पस सर्व करता है, कौन कौन से हैं? पहला, इट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन गेट इट्स अथॉरिटी, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमें संविधान को अथॉरिटी या पावर या शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। इट ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीक्स द एस्टैब्लिश एंड प्रमोट, ठीक है। ये हमारे संविधान के उद्देश्यों कुछ वैल्यूज के बारे में भी हमें बताता है। फेडरलिज्म देखिए, द वर्ड फेडरल मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, दो प्रकार की सरकार है, ठीक है। इन इंडिया वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी हमारे यहाँ पे दो प्रकार से दो सतही काम करती है सरकार, ठीक है। एक क्या है सेंट्रल यानी केंद्र सरकार, और एक क्या है आपकी राज्य सरकार, ठीक है। इसलिए फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और वन मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट यू कैन से। पंचायती राज एट द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम की बात की जाए तो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसलिए आप देख रहे हैं तीन तरह से हो गया, ठीक है। पहला है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरे में आपका पंचायती राज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वन मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। These government exercise their powers and function according to the provision of constitution. ठीक है, संविधान में इन सभी शक्तियों के बारे में फंक्शन के कार्य दिए गए हैं कि केंद्र सरकार के क्या कार्य है, राज्य सरकार के क्या कार्य, पंचायती राज के क्या कार्य, इन सभी कार्य वो क्या करते हैं, कार्यकर्तों या फंक्शन को अपने हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? द टर्म टायर ऑफ द वह क्या कर सकता है,
नेम ऑफ प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल द गवर्नमेंट और द स्टेट केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो किसी भी प्रकार का अधिकार व्यक्ति है वह कार्य किसके नाम पर होता है राष्ट्रपति के नाम से अन्य कोई भी कार्य करने के राष्ट्रपति साइन करते हैं एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द सेंट्रल कह रहे हैं कि कोई भी कार्य फंक्शन होगा उसमें प्रेसिडेंट का साइन जरूर होता है लेकिन रियलिटी में एक्चुअल में यदि बात की जाए तो वहाँ पे केंद्र सरकार का ही मुख्य भूमिका रहती है मुख्य रोल रहता है और काउंसिल्स में जो भी मिनिस्टर्स हैं या मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के जो भी लोग हैं या सदस्य हैं उनका भी मुख्य रोल होता है दे आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ये किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल या जिम्मेदारी है कोई भी कार्य हुआ ठीक है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल दिस मेक द पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेचर कैसे बनता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यानी कि लोग अपने नेता को जो चुनते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उसके द्वारा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का गठन होता है सेपरेशन ऑफ पावर देखिए सेपरेशन ऑफ पावर में बताया गया शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाए द थ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट आर द थ्री ऑर्गन में तीन मुख्य अंग हैं सरकार के लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉ लेकिन भारतीय संविधान जो है उसकी जो न्याय प्रणाली है वो सभी से जुड़ी हुई है लॉज आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री किसी भी देश में कार्य करने के लिए आपको क्या है कानून या नियम को सही रूप से कार्य करना बहुत ही जरूरी है तभी कोई देश सुचारू रूप से कार्य कर सकता है पीपल कैन लिव टुगेदर इन द हार्मनी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम बाय हैविंग रूल ऑफ लॉ यदि किसी देश में नियम कानून व्यवस्था बनाई जाएगी तो उस देश में रहने वाले लोग लंबे समय तक आसानी से और सरलतापूर्वक तथा सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉ अब लेजिस्लेचर क्या है लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने की शक्तियाँ होती है किसी भी प्रकार का कानून पारित कर सकते हैं द एग्जीक्यूटिव हैज द पावर टू एग्जीक्यूट लॉ एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं किसी भी प्रकार का कानून जो पारित हुआ तो उसे एग्जीक्यूट यानी वह कार्य कर रहा है कि उसे बंद कराना एग्जीक्यूटिव कहलाता है द जुडिशरी यदि कोई व्यक्ति कानून पारित हुआ वह एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया In other words, the judiciary is opposed to the system of court in the country. ठीक है यानी अगर शब्दों में कहा जाए तो judiciary का मतलब क्या है न्यायपालिका से है ठीक है न्यायपालिका का अर्थ सुप्रीम कोर्ट है आपके पास हाई कोर्ट जिला कोर्ट बहुत सारे कोर्ट यहाँ जाकर आप अपनी याचिका कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो कानून व्यवस्था को देखने का पूरा काम कौन करती है judiciary यानी न्यायपालिका इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है It is ensured that the justice is given to the people to see या show करती है कि लोगों को उसका उसको उतना न्याय मिलेगा तो constitution has laid down in case of dispute between central and the state government or constitution matter the judiciary will settle that dispute यदि किसी कारण बस कोई भी संवैधानिक मुद्दा उठता है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में कोई भी dispute create होता है तो कंडीशन में जुडिशरी सिस्टम यानी न्यायपालिका की सहायता से हम इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें दिया हुआ है सेकुलरिज्म मैंने आपको पहले ही बताया है सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है धर्मनिरपेक्षता ठीक है इसका अर्थ यह है कि उस देश में किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं यानी देश का कोई धर्म नहीं है जिस देश का कोई धर्म नहीं हो वो सेकुलर कंट्री कहलाती है इसलिए इंडिया इज अ कॉल्ड एज secular country because the people of the country have different type of religions. So secularism means that the state does not declare any religion. यानी हमारे देश में कोई भी religion declare नहीं किया गया है कि भारत हिंदू धर्म को ही follow करता है या ईसाई धर्म को ही follow करता है यानी हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है It neither favors nor discriminate on the basis of particular religion. यानी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण पर धर्म के नाम पर हम उसे हानि नहीं पहुंचा सकते या उसे मजबूर नहीं करते अपनी इच्छा से व्यक्ति अपना धर्म चूज कर सकता है आप अपनी इच्छा से जो चाहे कभी भी
बदल सकता है, इसके लिए हम इसे फोर्स नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री व्हिच डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वेलफेयर स्टेट्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अ वेलफेयर स्टेट इज अ स्टेट परफॉर्म फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर स्टेट वो होते हैं जहाँ पे लोगों की भलाई के लिए कुछ कार्य किए जाए, सामाजिक रूप से कोई कार्य किए जाए जिससे लोगों का भला हो सके। लाइक एजुकेशन, कैसे भला होगा यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन यदि हम दे रहे हैं, पब्लिक हेल्थ ठीक है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से पब्लिक हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हो, पार्क बनवा रहे हो, लाइब्रेरीज बनवा रहे हो, एज अ वेलफेयर स्टेट इससे क्या होगा, किसी भी राज्य का क्या होगा, वेलफेयर होगा। इंडिया इज कमिटेड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल पर्टिकुलरली द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ एससी एसटी ठीक है। देश में रहने वाले पिछड़ा वर्ग के अन्य वर्ग के कुछ लोग होते हैं ठीक है, उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है उस समुदाय के लिए ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र, उसमें से कुछ कैटेगरी दी हुई है एससी एसटी कैंडिडेट्स जो भी होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में हमारे देश का संविधान सबसे बेस्ट माना गया है, काफी लंबा बड़ा और विस्तृत है ठीक है। Something has real meaning in everybody's life said the government structure at the central state and the local levels, constitution and a great about citizenship, election, emergency procedures. अगर government की बात की जाए तो government का structure भी इसके अंतर्गत आता है, central government हो गया, state है, local levels में हो गया ठीक है। constitution जो है और भी चीज़ों को elaborate करता है, जैसे नागरिकता है जो हमारी, elections हो गया आपका, emergency procedures हो गए ठीक है। फंडामेंटल ऑफ राइट्स देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है कि समानता का अधिकार, यानी हम सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए संविधान के तौर से या कानून की नज़र में हम सभी समान हैं ठीक है। चाहे किसी राजा ने कोई बहुत गलती की हो या किसी छोटे से व्यक्ति से गलती, यदि वह गलती कानून के नज़र में दोषी पाया गया है, कानून के नज़र में वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे समान, जैसे सब लोगों को पनिशमेंट मिलेगा वैसे समान पनिशमेंट उसको भी मिलेगा, तो हम कानून की नज़र में क्या है, एक समान, इसी को कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसे आपको डिफरेंस हो गया डिस्कस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर ऑल सिटीजन इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में संविधान ने यह बात कही कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज मेड सम स्पेशल प्रोविजन, जब तक कि सरकार ने कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन या प्रावधान ना किए हो ठीक है। जैसे रिजर्वेशन की कुछ बात की गई है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं ठीक है, उनके लिए उनकी मदद करने के लिए सरकार ने क्या है कुछ प्रोविजंस या प्रावधान किए हैं, उनको छोड़कर सभी लोगों को एक समान माना जाता है। जैसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज भी आती है। अनटचेबल भी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट, पहले हमारे देश में छुआछूत माना जाता था लेकिन संवैधानिक तौर से या कानूनी प्रक्रिया द्वारा इसे भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम में क्या है कि क्या चीज़ें इंक्लूड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आप अपनी बात किसी से भी कह सकते हैं, कोई बात आपको कहेंगे, किसी के बारे में पूछेंगे, अपने आप अपने मन के भावों को आप एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन अपने विचार, रेसिडेंस, राइट टू फॉर्म यूनियन, किसी भी प्रकार की यूनियन बना सकते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन कोई भी कार्य कर सकते हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा कुछ जाति कुछ पर्टिकुलर काम किया करते थे लेकिन आज ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी जाति या समूह का हो वह कोई भी कार्य करने के लिए आजाद है। एंड असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, आप किसी भी तरह से कोई भी संगठन बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं,
curriculum provide for any person who is kept in detention to be brought to trial within 24 hours. Third point, take a right against exploitation. Exploitation. Okay. Against भी आप अधिकार यानी किसी प्रकार से आप exploit किए जाते हैं, ठीक है, तो इस बात का भी आपको अधिकार दिया गया है कि आप उसके लिए भी कह सकते हैं. In order to prevent exploitation of the poor, यदि किसी गरीब का आप exploit करें, किसी भी रूप से उसे बर्बाद करना चाहते हैं या exploit करना चाहते हैं, the government has provided for minimum wages for the labour. इस वजह से जो labour category के लोग भी हैं उनको कभी कभी क्या हम कम काम ज्यादा करवाते हैं और पैसे कम दे रहे हैं, ठीक है, या कभी कभी एक्सपेक्टेशन होती है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 500 रुपये तक आती है हमने 400 रुपये दी. इस तरह से यदि किसी को हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान रखा. अगर ऐसी कंडीशन में कोई पाया गया तो उसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो बैंड फोर्स लेबर. सरकार संविधान ने क्या किया है कि बंधुआ मजदूरी भी बंद कर दी कि आप जबरदस्ती किसी को फोर्स कराकर काम नहीं करा सकते. यदि ऐसी कंडीशन पाई गई तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है. एंड बिगिंग एंड बैगिंग, किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते. चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज और माइन. और 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनसे आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते, बड़ी बड़ी माइन्स में काम नहीं करा सकते, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आती है. नेक्स्ट आपका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है. आप किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई और अपना सकते हैं, क्योंकि उस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात का अधिकार रखता है. वो किसी भी धार्मिक रूप से किसी धार्मिक संस्था से जुड़ सकता है. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिफ्थ पॉइंट, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक है. आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, इसके लिए सरकार ने प्रावधान किए. कल्चर, किसी भी प्रकार का आपका कल्चर है वो भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको छूट है. अपनी कल्चर अपने हेरिटेज को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन में आपका शिक्षा का अधिकार आता है, जिसके तहत सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज नियम बनाए हुए हैं, ठीक है. सरकारी स्कूल्स खुले हुए हैं जहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि मिड डे मील भी दिया जाता है. द राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 8th क्लास. 8th क्लास तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी सरकारी स्कूल में आप पढ़ाई कर सकते हैं. फॉर द कौन सी एज आपको दी गई है, एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स. एडमिट ऑल्सो रिक्वायर ऑल द प्राइवेट स्कूल ऑफ रिजर्व 25% सीट्स फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली. इसके अलावा 25% तक की सीटें जो प्राइवेट स्कूल्स में भी गरीब बच्चों के लिए रहती हैं, ठीक है. 7th पॉइंट देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार. यदि 7th इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फंडामेंटल राइट, इज दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक चीज़ों का उपचार. यदि ये आपके पास ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी जो मैंने आपको 6 अधिकार बताए हैं वो भी, यानी संवैधानिक तौर पर आपको जो भी अधिकार दिए हैं उन सभी के अधिकारों को उपचार कराया है 7th पॉइंट में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है. संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपको इसमें दिया हुआ है, यानी जितनी ऊपर भी इससे ऊपर जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो सभी इसी में नहीं है, ठीक है. तो बाकी सभी संवैधानिक उपचारों की रेमेडीज भी इसी में है. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी फंडामेंटल राइट एंड टच अपॉन. सिटीजन ऑफ द इंडिया हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट. राष्ट्र का जो आपको अधिकार आपको दिया गया है, इस अधिकार में ये बात कही गई कि ऊपर के सारे अधिकार यदि आपको नहीं दिए इसके तहत, यदि कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस करा दूंगी, लेकिन आज का होमवर्क आपके लिए ये है, होमवर्क आप कर लीजिएगा. होमवर्क है फाइंड आउट द एक्सरसाइज
में जो भी आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस फिलअप्स दिए गए हैं ये सभी आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद आप इसे भेजेंगे व्हाट्सएप पे ताकि मैं चेक कर सकूँ। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं कुछ, वो भी आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, वो भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है ए शॉर्ट, ये शॉर्ट वाले एस है छोटी मार्टी शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर डी, सी लॉन्ग देख लीजिए लॉन्ग या डीके जो भी है। क्वेश्चन नंबर सी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर ए करना है। इतने